किड हो या फिर सुपरस्टार हो, महानायक हो या फिर महानायक का परिवार हो, रेप्यूटेटेड बच्चन फैमिली हो या फिर बच्चन फैमिली के मेंबर्स हो, उनसे जुड़ी हर एक बात उनके चाहने वालों तक पहुंचने के लिए हमेशा से अमिताभ बच्चन बताते हैं अपनी बातें, और इसलिए हम आपके बीच लेकर आते हैं हमारा शो स्टार लाइफ, जिसमें हम करते हैं बात आपके फेवरेट अभिनेताओं की जिंदगी के बारे में, उनके फैमिली मेंबर्स के बारे में, उनकी रियल लाइफ की स्टोरीज हम करते हैं प्रेजेंट। तो आज के स्टार लाइफ में एक बार फिर से है आप सभी का स्वागत। हेलो फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप नेक्स्ट नाइन न्यूज। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन अ स्पेशल प्रोग्राम स्टार लाइफ, जिसमें मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ आज मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की कुछ बहुत ही ज्यादा दिल छू लेने वाली बातें। इसी के साथ उनकी ग्रैंड डॉटर यानी कि आराध्या बच्चन के स्वीट बॉन्ड जो है अमिताभ के साथ, इस पर भी हम करेंगे बात। अपनी पोती के साथ जब गुजारते हैं अमिताभ समय, तो पोती से कितना कुछ वो सीख लेते हैं और पोती के साथ कितना स्पेशल बॉन्ड अमिताभ बच्चन शेयर करते हैं, इस पर उन्होंने खुद भी अपने चाहने वालों के बीच कई बातें शेयर की हैं। तो पोती को लेकर, घर के परिवार को लेकर क्या कहना है अमिताभ बच्चन का, आज स्टार लाइफ के स्पेशल एपिसोड में आप जानने वाले हैं। तो इंतजार किस बात का, जरा देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखा जाए तो अमिताभ बच्चन एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने हमेशा से ही अपने परिवार के बारे में खुलकर बात की है। चलिए आज हम आपको बता दें वो पूरी बात अपनी पोती को लेकर, जो अमिताभ बच्चन की काफी खूबसूरत अब तक सामने आ चुकी है। बहू और बेटी के बारे में हमेशा अमिताभ ने कहा कि घर में जितना तवज्जो उनकी बेटी का है, उतना ही तवज्जो उनकी बहू का है। जब ऐश्वर्या उनके घर आई तो अमिताभ बच्चन का घर, जो बेटी के जाने से सूना हो गया था, वो भर गया। बेटी की कमी आराध्या बच्चन के आने से पहले ऐश्वर्या भी कभी महसूस नहीं होने दी थी, लेकिन ऐश्वर्या जब इस दुनिया में आई, अमिताभ और जया बच्चन के घर के आंगन में जब नन्ही बच्ची की किलकारी गूंज उठी, तो पूरा परिवार कंप्लीट हुआ। आराध्या की वजह से ही आज तक अमिताभ बच्चन अपनी बहू की दूसरी प्रेगनेंसी या फिर अपनी बहू की दूसरी फैमिली प्लानिंग को लेकर बेटे बहू से दोबारा दादा उन्हें बनाने की खुशी की फिलहाल कोई भी प्रेशर नहीं देते। अमिताभ अपनी पोती आराध्या बच्चन को लेकर कई बार कई तरह की बातें शेयर कर चुके हैं। इम्प्रेसिव मीनिंग भी आराध्या को लेकर अमिताभ बच्चन शेयर करते जराए हैं। गौर हो कि अपनी पोती से जब ज़्यादा समय गुजारते हैं अमिताभ बच्चन, तो अपनी पोती से वो काफ़ी कुछ सीखते भी हैं। उनकी पोती ने अमिताभ बच्चन को सिखाया, कोरोना एक्चुअली मीन्स करोना और डोंट डू थिंग्स दैट कैन पुट अदर्स एट रिस्क, यानी कि डोंट डू थिंग्स दैट कैन मेक यू इन रिस्क। अमिताभ जब COVID-19 के संक्रमण में थे, जब बीते साल हॉस्पिटल में वो एडमिट थे नानावती हॉस्पिटल में, जब कोरोना वायरस के संक्रमण में आने के बाद अमिताभ को अगस्त के महीने में हॉस्पिटल में रहना पड़ा था, तब अमिताभ बच्चन की पोती आराध्या, उनकी बहू ऐश्वर्या और उनके बेटे अभिषेक भी इसी बीमारी के संक्रमण में आए थे। आराध्या बच्चन को भी रिकवर होने में ज़्यादा समय नहीं लगा, लेकिन अपनी पोती से बिछड़ते हुए हॉस्पिटल में इतने तड़पे थे अमिताभ कि अपनी पोती को गले लगाकर रो पड़े थे। तब पोती ने उन्हें संभालते हुए कहा था, आप जल्द ठीक होकर वापस आ जाओगे, बी स्ट्रांग, यू आर सुपर स्ट्रांग। आराध्या बच्चन को लेकर अमिताभ ने ये बात खुद ही बताई थी, और इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से बीते कुछ दो वीक में अमिताभ को अपनी आंखों की सर्जरी के बाद, दोनों आंखों की सर्जरी के बाद रिकवरी की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम से डील करना पड़ा है, क्योंकि मायास्थेनिया ग्रेविस नाम की जिस बीमारी से वो पीड़ित थे, इसके कारण उनकी आंखें धुंधली हो गई थी, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। तो अमिताभ बच्चन के लिए ऐसे में ट्विटर पर लोगों के बीच मौजूद रहना बहुत कठिन था। खैर, आराध्या बच्चन के बारे में अमिताभ क्या क्या कहते हैं आपको बता दें। आराध्या पूरे घर पर और खासकर अपने दादाजी की जिंदगी पर राज कर रही हैं। खुद अमिताभ बच्चन ने बताया कि जब भी आराध्या बच्चन उनके टेबल के पास आती है, जब उनके राइटिंग स्किल्स का समय होता है, तो आराध्या पूरे टेबल को बिखेर कर चली जाती हैं। खुद अमिताभ बच्चन ने ये बताया था। शो कौन बनेगा करोड़पति देखती हैं अमिताभ बच्चन और कोरोना को लेकर उनसे बात करती हैं।
बीते एक रात अमिताभ बच्चन अपनी पोती आराध्या के साथ बैठकर देख रहे थे अपना ही शो कौन बनेगा करोड़पति, और आराध्या ने उनसे कहा था, यू नो दिस कोरोना माइट मीन द क्राउन बट एक्चुअली इट इज करोना मीन्स डोंट डू। और ये बहुत ही ब्रिलियंट था, अमिताभ बच्चन का दिल जीत बैठी थी आराध्या ये कहकर। अमिताभ बच्चन अपनी पोती के बारे में कह बैठे, आराध्या हैज गॉट ग्रैंडमा जया बच्चन जीन्स, थैंक्स आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट। अपनी पोती से यही उम्मीद कर रहे थे अमिताभ बच्चन कि उनमें उनकी दादी माँ जया बच्चन का जीन हो, क्योंकि जया बच्चन घर की सबसे ज़्यादा शार्प माइंडेड लेडी है। अमिताभ बच्चन को आज भी महसूस होता है कि उनकी पत्नी जया बच्चन उनसे कई गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अमिताभ बच्चन को आज भी महसूस होता है कि उनकी पोती आराध्या जिस तरह से जया बच्चन की तरह शार्प माइंडेड है और जिस तरह वो बोल्ड है, ये वाकई में बहुत अच्छी बात है। अपनी माँ ऐश्वर्या नहीं बल्कि अपनी दादी माँ जया बच्चन पर गई है आराध्या बच्चन, ये अमिताभ बच्चन का कहना। बिल्कुल भी अमिताभ पर नहीं गई है पोती आराध्या, ये अमिताभ बच्चन का कहना है। अमिताभ बच्चन ने बताया था कि आराध्या हमेशा उन्हें स्ट्रेंथ देती थी, बीमारी से लड़ने में हमेशा उन्हें मजबूत बनाती हैं, और घर पर आराध्या बच्चन ने हमेशा अपने दादू को कोशिश करती हैं कि रोने से रोकें। आराध्या बच्चन हमेशा अपने दादू को रोने से रोकती हैं, जी हाँ, जब भी वो बीमार पड़ते हैं तो आराध्या बच्चन उनका ख्याल रखती हैं। जी हाँ, बहू रानी और पोती जब वापस आ गई थी इलाज के बाद, तो अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में लिखा, दे गो होम द लिटिल वन एंड बहू रानी एंड द टीयर्स फ्लो आउट, द लिटिल वन एम्बेरेसेस एंड टेल्स मी नॉट टू क्राई, यू विल बी होम सून, शी इज योर्स, आई मस्ट बिलीव हर। यानी कि अपनी पोती पर बहुत भरोसा था अमिताभ को उस वक्त, जब अपनी बहू और पोती को जाते हुए उन्होंने देखा तो बहू पोती से बिछड़ते हुए रो पड़े थे अमिताभ, तब कुछ ऐसे वो हो गए थे भावुक। नेक्स्ट नाइन न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। वेल दोस्तों, स्टार लाइफ हमारे स्पेशल प्रोग्राम में हमने आपको बताया अमिताभ बच्चन और उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ आराध्या के बारे में। वाकई में आराध्या 9 ईयर ओल्ड जरूर है, लेकिन इस 9 ईयर की जिंदगी में अब तक आराध्या ने एक सीख तो ली है कि अपनी दादी माँ के जीन्स जो उनमें हैं उसे कंटिन्यू रखा जाए। अमिताभ बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है सबके कि वाकई में जया बच्चन के जीन्स उनकी ग्रैंड डॉटर में है, क्योंकि जया की तरह शार्प माइंडेड आराध्या को देखकर अमिताभ बहुत ज्यादा खुश है। खैर, वक्त हो गया है स्टार लाइफ इस शो के साथ आपसे विदा लेने का। ऐसे ही तमाम लेटेस्ट खबरों के लिए, अपने फेवरेट स्टार्स के बारे में जानने के लिए स्टे ट्यून्ड रहे हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।